31 दिन के सस्पेंस का द एंड। पुलिसिया जाल में पंजाब का बवाल। गिरफ्तारी के बाद डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट। पंजाब पुलिस के साथ लगातार 36 दिन से लुका छिपी खेल रहे अमृतपाल को आखिरकार दबोच लिया गया। भिंडरावाले के गांव रोडे में गिरफ्तारी से पहले प्रवचन कर रहा था खालिस्तान का जहर बांटने वाला अमृतपाल। भिंडरावाले की तरह हुलिया बना रखा था, स्टाइल वही, पुलिस को पहले से इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, लिहाजा रोडे की घेराबंदी हो चुकी थी। गुरुद्वारा में अमृतपाल का प्रवचन चल रहा था और बाहर पुलिस थी। पुलिस ने संयम से काम लिया, गुरुद्वारे की मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखते हुए अंदर नहीं दाखिल हुई और जब अमृतपाल बाहर निकला तो द एंड हो चुका था। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में चौकसी है, तमाम शहरों में फ्लैग मार्च किए गए। खुद अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। गिरफ्तारी से पहले रोडे के गुरुद्वारे में अमृतपाल ने प्रवचन भी किया, दावा किया कि ये गिरफ्तारी अंत नहीं शुरुआत है, लेकिन हकीकत ये है कि ये द एंड थी क्योंकि अब तक की उसकी सारी चाल नाकाम रही है। अमृतपाल का ड्रामा फेल। बैसाखी के दिन सरेंडर करना चाहता था, वो फेल हुई तो दमदमा साहिब जाना चाहता था, लेकिन खालिस्तानी भगोड़े की वो भी चाल नाकाम। थक हार कर भिंडरावाले के गांव पहुंचा अमृतपाल। वहां चाहता था समर्थकों को जुटाना, जहर फैलाना, लेकिन ये चाल भी नाकाम रही। पुलिसिया जाल में आया अमृतपाल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। अमृतपाल इसे शुरुआत बता रहा है, अंत नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में ये द एंड है। 12वीं पास अमृतपाल दुबई से पंजाब पिछले साल लौटा था। वहां ड्राइवरी करने वाला शख्स जो टपोरी स्टाइल में सेल्फी खिंचवाता था, उसे पता नहीं क्या सूझा कि खुद को सिख कौम का मुख्तार समझ बैठा। खालिस्तान के नाम पर जहर उगलना उसका काम बन गया था और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने साजिश के तहत पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे के संगठन को चुना। दीप की मौत सड़क हादसे में हुई थी। अमृतपाल भिंडरावाले की तरह बनना चाहता था, उसी की तरह का पहनावा, वैसे ही जहर बोना, वैसी ही पगड़ी, और तो और अमेरिका जाकर प्लास्टिक सर्जरी भी करा आया था ये बकोड़ा। अब जेल की चक्की उसकी किस्मत में है। NIA और एजेंसीज की पूछताछ के बाद लंबी अदालती लड़ाई उसका इंतजार कर रहे हैं।